हे गाइस, आज बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि केविन लेवरोनी कभी नहीं जीत पाए मिस्टर ओलंपिया का टाइटल और रह गए सिर्फ एक अनक्राउन मिस्टर ओलंपिया लोगों की नज़र में। सो आज का वीडियो पूरा देखिए, इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइस, केविन लेवरोनी द कैट केविन लेवरोनी बहुत ही डेकोरेटेड बॉडी बिल्डर थे अपने ज़माने के 1990s में कम्पीट किया करते थे। अभी रिसेंटली उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में भी कमबैक किया था और क्लासिक डिवीजन में कमबैक किया था उन्होंने। सो बहुत ही रिस्पेक्टेड बॉडी बिल्डर है और बहुत लोग ये कहते हैं कि केविन लेवरोनी को एटलीस्ट दो मिस्टर ओलंपिया के टाइटल ज़रूर जीतने चाहिए थे। सो ऐसे क्या सरकमस्टेंसेस पैदा हो गए कि केविन लेवरोनी कभी जीत ही नहीं पाए मिस्टर ओलंपिया? अगर आप बॉडी बिल्डिंग को पैशनेटली फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि केविन लेवरोनी की जो फिजिक थी इतनी फ्लॉलेस और इतना अच्छा डेंस मसल मास शायद ही किसी बॉडी बिल्डर पर आपको देखने मिलेगा। केविन लेवरोनी उन बॉडी बिल्डर्स में से थे जो एस्थेटिक्स को भी बैलेंस कर सकते थे और मसल मास को भी बैलेंस कर सकते थे। आज के बॉडी बिल्डर्स में आपको ये बहुत ही कम देखने मिलेगा। उस जमाने में सिर्फ एक बॉडी बिल्डर थे जो केविन लेवरोनी के साथ बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हो सकते थे, वो थे फ्लेक्स व्हीलर। तो फ्लेक्स व्हीलर और केविन लेवरोनी ऐसे दो ही बॉडी बिल्डर थे जो एस्थेटिक्स और मास दोनों को बैलेंस कर सकते थे। लेकिन जैसे ही 1993 का एरा स्टार्ट हुआ और डोरियन येट्स का एरा स्टार्ट हुआ और एक मास मसल मास का एक एरा आना स्टार्ट हुआ, सो लोगों का जो पसंद है वो मास मॉन्स्टर की तरफ जाने लगी। यानी कि जो भी बंदा बहुत ज़्यादा मसल मास लेके आता है, बहुत ज़्यादा थिक डेंस पैक मसल लेके आता है, उसको कंपटीशन जीतने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। ये लोगों का एक परसेप्शन बन गया था कि डोरियन येट्स 1993 के बाद हर एक बॉडी बिल्डर ऐसे ही दिखेगा। उसके पहले 1993 से पहले जब 8-time मिस्टर ओलंपिया ली हेनी कम्पीट कर रहे थे तो वो भी मसल मास लेके आते थे, लेकिन उस लेवल का नहीं जो डोरियन येट्स ने 1993 में लाया था। सो केविन लेवरोनी, फिर उसके बाद रोनी कोलमैन है, फिर फ्लेक्स व्हीलर है, फिर नेसर एल संबाती है, मिलस सरकव है और बहुत सारे ऐसे अलग अलग बॉडी बिल्डर्स हैं जो उस ज़माने में 1993 से लेके अर्ली 2000 तक ने कम्पीट किया है और सारे बॉडी बिल्डर मैस मॉन्स्टर्स थे। आप उस ज़माने के मिस्टर ओलंपिया की प्लेसिंग्स देख लीजिए, हर ओलंपिया में टॉप 5 प्लेसिंग सिर्फ मैस मॉन्स्टर्स यानी कि मिलस सरकव, फिर जीन पेरिफेक्स, फिर केविन लेवरोनी है, फिर उसके बाद रोनी कोलमैन है, मिलर सरकफ है। तो ये सारे बॉडी बिल्डर्स थे उस ज़माने में जो टॉप 10 या टॉप 5 में हमेशा आते थे मिस्टर ओलंपिया में। तो इसके ऊपर से क्लियर परसेप्शन बन गया था कि जो मसल मास लेके आ रहा है डेंस पैक, वही जीत सकता है मिस्टर ओलंपिया। अब अगर केविन लेवरोनी को मिस्टर ओलंपिया जीतना था तो क्या केविन लेवरोनी की उस लेवल की फिजिक नहीं थी? क्या वो मिस्टर ओलंपिया नहीं जीत सकते थे? पर्सनली मुझे लगता है केविन लेवरोनी के पास वो हर एक कैपेबिलिटी थी, वो परफेक्टली बॉडी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर सकते थे, मिस्टर ओलंपिया जीत सकते थे। सिर्फ जो दिक्कत आ रही थी केविन लेवरोनी को वो थे सिर्फ दो बॉडी बिल्डर और वो थे रोनी कोलमैन और फ्लेक्स व्हीलर। सो रोनी कोलमैन और फ्लेक्स व्हीलर ये दो बॉडी बिल्डर थे जो शायद केविन लेवरोनी को हमेशा आउटकम कर सकते थे। फ्लेक्स व्हीलर सुल्तान ऑफ सिमेट्री थे, हमेशा एक वेल प्रोपोर्शन और बैलेंस फिजिक लेके आते थे, उसके साथ एस्थेटिक्स भी उन्होंने बैलेंस कर लिया। और रोनी कोलमैन, आप जानते ही हैं रोनी कोलमैन 8-time मिस्टर ओलंपिया और एक मास मसल मॉन्स्टर की तरह आते थे और सबको डोमिनेट करके मिस्टर ओलंपिया जीत लेते थे। सो इस बीच कहीं ना कहीं केविन लेवरोनी बैलेंस ही नहीं कर पा रही थी, क्या वो मसल मास बढ़ाए या फिर वो प्रोपोर्शन में रहे अपने एस्थेटिक्स के साथ, क्योंकि उनको फ्लेक्स व्हीलर और रोनी कोलमैन जैसे बॉडी बिल्डर को टक्कर देनी थी। सो केविन लेवरोनी जो ये फोटोज इस वक्त आप देख रहे हैं और जो वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि केविन लेवरोनी कितने बैलेंस्ड एथलीट थे। ये सारे फोटोज और ये सारे वीडियोस 1999 के हैं जब केविन लेवरोनी पीक पे थे। मैंने पर्पजली सिर्फ 1999 के फोटोज और वीडियो सिलेक्ट किए हैं ताकि आप देख सके कि जो उस जमाने में केविन लेवरोनी का बहुत लोग मानते हैं कि 1999 ये एक पीक ईयर था, सबसे बेस्ट फिजिक अगर केविन लेवरोनी लेके आए थे वो 1999 में ही थे। और 1999 में केविन लेवरोनी आई थिंक सेकंड आए थे ग्रैंड प्रिक्स में और रोनी कोलमैन ग्रैंड प्रिक्स जीत गए थे। उसी के साथ रोनी कोलमैन का एरा भी स्टार्ट हो गया था, उन्होंने 8-time मिस्टर ओलंपिया के लिए अपनी रेस चालू कर दी थी। सो केविन लेवरोनी को मैं कहूँगा कि बहुत ही
बैड लक था केविन लेवरोनी का कि उनकी टक्कर आ गई तो वो थी रॉनी कोलमैन और फ्लेक्स विलर। बाकी सारे बॉडी बिल्डर्स को आप देख लीजिए, जीन पेरिफेक्स को देख लीजिए, फिर मिलेस सरकफ को देख लीजिए, नसरल सेम्पैथी को देख लीजिए, ये सारे भी मैथ मोस्टर्स थे, लेकिन इन सभी बॉडी बिल्डर्स को केविन लेवरोनी ने हराया है। बहुत अच्छी पॉइंट से जीते भी है केविन लेवरोनी। सो केविन लेवरोनी ने अपने पूरे करियर में टोटल 68 कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, लेकिन कभी भी टॉप प्लेसिंग में कभी दिखे नहीं केविन लेवरोनी, या फिर ग्रैंड प्रिक्स, या फिर आयरलैंड क्लासिक ले लीजिए आप, या फिर मिस्टर ओलंपिया ले लीजिए। बहुत मुश्किल सामना करना पड़ा था केविन लेवरोनी को इन कॉम्पिटिशन्स को जीतने के लिए। मैं ज़रूर चाहता कि केविन लेवरोनी एटलीस्ट दो ओलंपिया जीते, और अगर जीत भी लेते तो बहुत अच्छा लगता मुझे कि इस लेवल की फिजिक बहुत कम बॉडी बिल्डर्स अटेंड कर सकते हैं। केविन लेवरोनी हमेशा हार्ड कोर ट्रेनिंग में बिलीव किया करते थे, हमेशा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया करते थे। केविन लेवरोनी ने कभी भी ऑफ सीजन नहीं लिया है, ऑफ सीजन अगर लेते भी थे तो उसमें भी क्लीन डाइट फॉलो करते थे। तो इस लेवल का डेडिकेशन अपनी डाइट में, इस लेवल का डेडिकेशन अपने जिम वर्कआउट में डालना बहुत कम बॉडी बिल्डर्स हैं जो शायद इस लेवल पे कभी पहुंच सकते हैं, और इसलिए आज भी केविन लेवरोनी मोस्ट रिस्पेक्टेड बॉडी बिल्डर है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। सो ये था मेरा वीडियो केविन लेवरोनी के ऊपर कि क्यों केविन लेवरोनी हमेशा एक अंडरडॉग रहे हैं और मिस्टर ओलंपिया नहीं जीत पाए। रीजन सिंपल है, रॉनी कोलमैन और फ्लेक्स विलर। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या सोचते हैं आप केविन लेवरोनी के बारे में, क्या उस ज़माने में और कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा केविन लेवरोनी को, क्यों वो मिस्टर ओलंपिया नहीं जीत पाए। कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट्स में ज़रूर पढ़ूंगा और उसके ऊपर रिप्लाई भी देने की कोशिश करूंगा। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, दिस इज हर्षल मुदिराज साइनिंग आउट।